नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करते हैं, एक कमेंट किया है हमारे सब्सक्राइबर ने और सब्सक्राइबर ये पूछ रही हैं कि उनका जो है बच्चा है उसको जो है कांच निकलने की प्रॉब्लम है, तो क्या उसको पाइल्स भी है क्या? मतलब उनके मन में जो है जानने की इच्छा है कि उनको दोनों प्रॉब्लम है क्या, बच्चे को कांच भी निकल रही हैं और पाइल्स भी हो सकता है क्या, तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि मुझे फिशर हैं तो क्या पाइल्स भी है क्या, और मुझे अगर फिस्टुला है तो क्या फिशर पाइल्स दोनों है क्या, मतलब बहुत से उनके मन में सवाल होते हैं। तो आज जो है मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा कि आपको तीनों साथ में हो सकते हैं या कोई एक हो सकता है या फिर ये होगा तो वो नहीं होगा, ऐसा जो भी होता है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए फिस्टुला, फिशर और आपके जो बवासीर हैं ये तीनों जो हैं आपके मलद्वार से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ होती हैं ये जो हैं कब्ज के कारण होती हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो उससे जो है आपको ये प्रॉब्लम होती है। बात करें दोस्तों कि आपको ये तीनों एक साथ हो सकती है क्या, देखिए बिल्कुल जो है आपको ये तीनों एक साथ हो सकती हैं। आपके जो हैं सबसे पहले आपको पाइल्स हो या फिर जो है सबसे पहले आपको जो है फिशर हो जाए या फिर जो है सबसे पहले आपको फिस्टुला भी हो जाए, उसके बाद जो है फिस्टुला हो गया उसके बाद जो है मल अगर अभी भी आपका कठोर आ रहा है तो आपको पाइल्स भी हो सकता है, आपको फिशर भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बीमारी हो गई तो मुझे दूसरी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। पाइल्स भी हो सकता है, फिशर भी हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है। बात करें कि आपको जो है कांच भी निकल रही हैं और आपको जो है क्या पाइल्स भी हो सकता है क्या, देखिए इसमें ऐसा है कि आपको कांच निकल रही हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा तो जो है आपका मेजर इशू यही है कि आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। आपका बच्चा जो है अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, जो उसको न्यूट्रिशन वाला खाना खाना चाहिए उसके जगह पे जो है आजकल चिप्स, चॉकलेट, ये जो जंक फूड आ गए हैं वो जो है अगर बच्चा खा रहा है तो उसको जो है प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपके बच्चे को कांच निकल रही है तो एक तो उसकी मसल्स पहले से ही कमज़ोर हैं, साथ ही साथ जो है आप उसको खाना भी जो है ऐसा दे रहे हैं जिसमें जो है फाइबर बिल्कुल नहीं है और सब जंक फूड है, तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, मसल्स उसकी और ज़्यादा कमज़ोर होगी। आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों अगर आपको पाइल्स है तो बिल्कुल जो है आपको जो है ये हो सकता है, आपके जो भी इलेक्ट्रो प्रोडक्ट्स होता है कांच निकलने की प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि पाइल्स आपको कैसे हुआ, आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर आपको अभी भी है तो उससे जो है आपके कांच निकलने की प्रॉब्लम हो सकती हैं, दोनों साथ में भी हो सकती हैं, तो आप इनसे थोड़ा बचें, क्योंकि अगर दोनों साथ में हो जाती हैं तो फिर आपको ट्रीटमेंट आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर को जो है दो चीज़ का ट्रीटमेंट करना होता है और वो जो है फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बच्चा भी जो अभी छोटा है उसको जो है ज़्यादा कुछ जो है चीरफाड़ भी नहीं कर सके, ज़्यादा उसमें जो है ऑपरेशन वगैरह भी नहीं कर सकते, उसकी जो है अभी कैपेसिटी भी नहीं है, तो इसलिए बच्चों को जो है हमेशा हेल्थी जो है फूड वगैरह खिलाइए, उसको जो है ये जो भी चिप्स वगैरह जंक फूड होता है उसको जो है बंद करवाइए। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।